नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बीएनवी एसएपी नॉर्म्स के बारे में। बीएनवी एसएपी नॉर्म्स वो नॉर्म्स है जो कि कार सेफ्टी से रिलेटेड हैं और इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स को ये नॉर्म्स सौंपने वाली है। हालांकि ये नॉर्म्स 2014-15 के आसपास लागू होने थे, लेकिन इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स की लॉबिंग के कारण और भारतीय सरकार के सुस्त रवैये के कारण ये एक्सटेंड होते होते 2017 तक पहुंच गया है। अक्टूबर 2017 में इनको लागू होने की उम्मीद पूरी है और अक्टूबर 2018 तक ये आने वाले हर एग्जिस्टिंग मॉडल और नए बनने वाले मॉडल पे लागू होंगे। तो देखते हैं इस नॉर्म्स में क्या क्या है और कैसे ये नॉर्म्स एल्टो, क्विड, इऑन, वेगनार जैसी एंट्री लेवल वाली गाड़ियों को अफेक्ट करेगा। इंडिया में कार मार्केट दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहे हैं कार से एक्सीडेंट्स। कार एक्सीडेंट्स में होने वाली मौतें कई देशों में एवरेज डेथ से बहुत ही ज्यादा है, जिसको इंडिया में कम किया जा सकता है अगर कई सेफ्टी नॉर्म्स लागू किए जाए तो। भारत सरकार ने इन्हीं सेफ्टी नॉर्म्स को लागू करने में अब सख्त रवैया दिखाया है और हो सकता है अक्टूबर 2017 में ये लागू भी हो जाए। क्या क्या शामिल है इस नॉर्म्स में वो देखते हैं। सबसे पहली चीज जो शामिल है वो है एयरबैग्स। जी हाँ, अब गाड़ियों में एयरबैग्स होना जरूरी हो जाएगा। उसके साथ ही रियर पार्किंग सेंसर होना जरूरी होगा, उसके बाद जरूरी होगा सीट बेल्ट रिमाइंडर, और एक और बड़ी अजीब सी चीज जरूरी कर दी गई है वो है स्पीड वार्निंग। स्पीड वार्निंग कैसे काम करेगी कि अगर आपकी गाड़ी 80 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रही है तो एक बीप साउंड करेगा 2 से 3 बार, जितनी बार भी करे एज वो डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद अगर आपकी गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर से ऊपर जा रही है तो कंटिन्यूअसली बीप करेगा। हालांकि इंडिया में कई हाईवेज की स्पीड लिमिट 100 के आसपास है, लेकिन पता नहीं फिर इसको 90 क्यों रखा गया है, हो सकता है जल्दी चेंज किया जाए। साथ ही कई और चीजें ऐसी होगी जो कि लागू की जाएगी, जिनमें फ्रंटल डैमेज शामिल होगा कि गाड़ी अगर क्रैश करती है तो फ्रंट से डैमेज में पैसेंजर को कितना खतरा है, साइड इंपैक्ट से कितना खतरा है, और जो पेडेस्ट्रियन चल रहा है सड़क पे उसको इंपैक्ट लगने में कितना खतरा है, इस चीज की एक रेटिंग तैयार होगी और स्टिकर गाड़ी के ऊपर लगाया जाएगा। हालांकि ऐसा कोई अभी तक नियम नहीं लाया गया है जहां पे कि इन रेटिंग कम होने पे गाड़ी लॉन्च की जाएगी या नहीं की जाएगी, लेकिन ये रेटिंग पेस्ट जरूर की जाएगी हर एक कार के। अगर ये नॉर्म्स लागू होते हैं तो जो मैंने कारें पहले मेंशन की है उन कारों की प्राइस जरूर बढ़ जाएगी 15,000 से लेकर 30,000 तक, और हो सकता है कार मैन्युफैक्चरर्स इन कार को डिसकंटिन्यू करके इनका ही कोई नया स्वरूप निकाल दे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अगर आप 2017 के दिवाली के आसपास इन कारों को लेने की सोच रहे थे तो अपना बजट थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बता दीजिए किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। अभी के लिए धन्यवाद। ताकि आप इन कारों को थोड़ा सा बड़ा तो